हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बजाज कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बजाज कंपनी अपनी NS 400 को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। बजाज कंपनी के ओनर राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने 6 बिगेस्ट पल्सर को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, जिनके नाम है NS 400 और RS 400। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्सर NS 400 के बारे में कि ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, इस बाइक में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और ये बाइक इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाली है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मेरा नाम अनमोल और आप देख रहे हैं 4वे। दोस्तों, पल्सर NS 400 का पिछले 2-3 सालों से वेट किया जा रहा है कि ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च होएगी। फाइनली बजाज कंपनी के ओनर राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने 6 बिगेस्ट पल्सर को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें बाइक के लुक के बारे में तो बाइक का लुक आपको NS 200 के जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन बाइक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक में आपको LED इंडिकेटर के साथ LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात बाइक के मीटर कंसोल के बारे में तो बाइक में आपको TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्ट और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे कई सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इंजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो बाइक में आपको 399cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 43 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 39 Nm की, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। बाइक में आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलेगा और बाइक के रियर में आपको 150 सेक्शन का वाइड टायर देखने के लिए मिलेगा, ताकि अगर बाइक को टॉप स्पीड पे भगाए तो काफी अच्छा ग्रिप बना रहे। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बाइक में आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। तो बाइक में आपको काफी सारे फीचर देखने के लिए मिल रहे हैं और बाइक का जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें इस बाइक की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में तो ये बाइक आपको 2,40,000 के एक्सोरूम प्राइस पे देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो ये बाइक आपको इस साल के एंड में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये बाइक कैसी लगी और आपको इस बाइक को लेकर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।